पॉइंटर जीएस की तरफ से नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण का चैप्टर 13 शुरू कर रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है समास, और मैं गजब का ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों। एकदम पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद ट्रिक को समझिए, आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप करके मिलाकर एक शब्द करने को समास कहते हैं। अर्थात कई शब्दों को संक्षेप कर एक शब्द बनाना समास है, और संक्षेप करके बने हुए शब्द को समस्त पद कहते हैं। दस है आनंद जिसके, वह है दशानन। दोस्तों आप ये देखेंगे, दस है आनंद मतलब इन शब्दों को संक्षेप किया गया, तो इस संक्षेप में दशानन शब्द बना। यहाँ पर कई शब्दों को संक्षेप करके एक शब्द दशानन बनाया गया, दशानन समस्त पद कहलाता है। दोस्तों अब देखते हैं समास के कितने भेद हैं। तो समास के 6 भेद हैं, आइए देखते हैं कौन कौन। पहला तत्पुरुष समास, क्रमधारी समास, अव्ययी समास, बहुवीर्य समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। अब दोस्तों आगे देखते हैं, अब दोस्तों तत्पुरुष समास देखते हैं, और आप गजब का ट्रिक भी बताएंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजमहल, राजा का महल, इसमें दूसरा पद महल प्रधान है और का लोप है। तो देखिए राजा का महल तो का लोप हो गया है, तो मतलब और दूसरा पद प्रधान इसलिए है कि महल ही जो है इस शब्द का मुख्य वाक्य है। तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियों का लोप होता है, इसलिए कर्ता व संबोधन छोड़कर शेष 6 कारकों के अनुसार 6 तत्पुरुष निम्न प्रकारेण हैं। पहले अब हम तत्पुरुष समास पहचानने की ट्रिक बताते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, अब इसको समझिएगा। इसमें क्या होगा, तत्पुरुष समास में समास को अलग करने पर बीच में, पहला ट्रिक है कि बीच में का, फिर की, फिर को, फिर के लिए में पर से निकले। शब्दों को समझिए, समास को अलग करने पर बीच में का, की, को, के लिए, में, पर से शब्द निकले। जैसे आप देखे होंगे जिसमें संप्रदान में, अपादान में शब्दों का यूज करते थे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट ट्रिक इसका है कि दूसरा पद छोटा और प्रधान होगा। जैसे दूसरा पद महल है तो महल प्रधान हुआ, और महल छोटा होता है। राजमहल, राज में पूरा राज्य आ जाएगा और महल छोटा हो गया, ये ट्रिक याद रखिएगा। और तीसरी ट्रिक है पहचानने के लिए, पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष होगा, ये ध्यान रखिएगा। पूर्व पद विशेषण रहेगा और उत्तर पद विशेष रहेगा। तो ये आपका ट्रिक हुआ तत्पुरुष समास का। अब देखते हैं इसमें तत्पुरुष समास में जो आपके 6 इसमें उप समास हैं उसको देखते हैं। जैसे क्रम तत्पुरुष, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अब देखिए को का शब्द यूज हुआ है, जल पिपासु, जल को पीने की इच्छा वाला, ग्रंथकार, ग्रंथ को करने वाला। अब दोस्तों आगे देखते हैं, करण तत्पुरुष, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, हस्तलिखित, हस्त से लिखित। ये करण, जैसे मैंने कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान, अधिकरण बताया था, उसी तरह यहाँ पर यूज होगा। संप्रदान में देश के लिए शब्द का यूज, अपादान में भय से, पंथ से का यूज हो रहा है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, संबंध तत्पुरुष, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़। तो यहाँ संबंध है, बैलों की गाड़ी, तो बैल से गाड़ी का संबंध है। अब देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष, वनवास, वन में वास, दान में वीर, आप पर बीती। वही दोस्त जो मैं पहले बताया था वही है यहाँ पर,
अब ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, नत्र तत्पुरुष जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसको नत्र तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अधर्म, ना धर्म, आहित, नाहित, मतलब इसका अर्थ निकल के ना प्रयोग हो, नकारात्मक शब्द हो, वही आपका नत्र तत्पुरुष हो गया। अब दोस्तों आगे देखते हैं हम, दोस्तों अब कर्मधारय समास पर हम आते हैं। कॉन्सेप्ट और परिभाषा को समझिए, फिर मैं ट्रिक तो बताऊंगा ही और ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा। कर्मधारय समास जिसका प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष हो और द्वितीय पद विशेष या उपमेय पद प्रधान हो उसको कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल या नीला कमल। अब आप ट्रिक को समझिए, पहला तो ट्रिक ये समझिए, शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है या आप कैसे लगा कर देखो इसमें। नील कमल तो कमल कैसा है, कैसा लगा के देखेंगे तो कमल कैसा है, नीला है। पीतांबर, अंबर कैसा है, पीला है, तो कैसा लगाकर आपको आंसर मिल गया, ठीक है। और दूसरा ट्रिक है इसमें, मध्य पद में है जो और के समान शब्द आए तो समझिए कि आपका कर्मधारय समास है। ये देखिए, कमल नयन के समान शब्द आ रहा है और नीला है जो, ये देखिए है जो के समान शब्द आपको निकालने पर अगर आ रहा है तो समझिए कि कर्मधारय समास है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल निकल के आ रहा है, या नीले नीले के समान कमल, तो है जो और के समान शब्द आपका अगर निकल कर सामने आ रहा है तो आपका कर्मधारय समास होगा। ये दोस्तों है जो और के समान, ये याद कर लीजिएगा ट्रिक। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं दोस्तों अव्ययी भाव समास, जिसका पूर्व पद अव्यय हो तथा उसके योग से बने समस्त पद को अव्ययी समास कहते हैं। अव्ययी समास कहते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब इसमें ट्रिक पहले देखिए, पहला पद इसका छोटा होगा, पहला पद इसका छोटा होगा। जैसे यथाशक्ति में यथा शब्द छोटा होगा, अनुरूप, रूप, अनु, तो अनु शब्द छोटा होगा। लेकिन और आपको इम्पोर्टेंट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, एक शब्द बार बार आए, जैसे हाथों हाथ, रातों रात, हाथों हाथ, रातों रात, ये सब शब्द बार बार जब आएंगे तब भी आपका अव्ययी समास होगा। और आप ट्रिक को समझ लीजिए और एक ट्रिक और समझिए कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, जैसे शक्ति में यथा जुड़ा है तो उपसर्ग जुड़ा है, अनुरूप में अनु जुड़ा है आपका, ये उपसर्ग है, आजन्म आज जुड़ा है, जन्म से पहले आज जुड़ा है, तो उपसर्ग। ये तीन ट्रिक से दोस्तों अगर आपको याद रहेगा तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आइए आगे देखते हैं। अब दोस्तों बहुवीर्य समास देखते हैं, जिसमें लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, जिसके दोनों समस्त पदों के अतिरिक्त कोई अन्य पद प्रधान हो उसको बहुवीर्य समास कहते हैं। जैसे दशानन, दस हैं आनन जिसके, वह रामायण। इसमें आप देखेंगे भगवान का नाम आ रहा है, तो आप ट्रिक एकदम रट लीजिए। इसमें देवी देवताओं के नाम पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है, वही समझिए कि आपका बहुवीर्य समास हो जाएगा। मतलब जहाँ देवी देवताओं का नाम लेके एक शब्द आए, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव हो गया। और दूसरी ट्रिक, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकले, जैसे नील है कंठ, नीला है कंठ जिसका, तो इसमें कुछ कहा नहीं गया है, नीला है कंठ जिसका, हम समझ गए ये शिव की बात कही गई है, तो आप समझ लीजिए विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकला है। जैसे चक्रपाणि,
चक्र है पाणि, माने पाणि माने हाथ में, चक्र है जिसके हाथ में, हम चक्र किसके हाथ में होता है, विष्णु के हाथ में। तो ये भी याद रखिएगा, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ और देवी देवताओं के नाम पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द आता हो वही आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं द्विगु समास, जो काफी आसान है लेकिन ये भी समझ लीजिए इसमें कुछ अपवाद भी हैं। जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं, मतलब इसमें समास का पहला पद संख्या हो तो आपका द्विगु समास होगा। जैसे त्रिभुज चौराहा नौग्रह, तो त्रि चौ नौ, तो ये देखिए पहला पद आपका संख्या है तो इस वजह से ये द्विगु समास हो गया। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, 0 से लेकर 9 तक की संख्या होनी चाहिए तभी द्विगु समास होगा। इसके ऊपर की संख्या आने पर 10, 11, 12, 13, 14, 15 आने पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये अपवाद रट लीजिए। द्वंद्व समास लास्ट है ये दोस्तों, जिसमें दोनों पद प्रधान हो और उनमें और शब्द लुप्त हो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। द्वंद्व समास में शब्दों का जोड़ा होता है, जैसे माता पिता, माता और पिता। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रिक को समझिए, कभी भी गलत नहीं होगा। इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, ये देखिए आपका योजक चिन्ह है, इससे आप समझ जाएंगे द्वंद्व समास। और इसमें और का लोप हो जाता है, जैसे माता पिता, तो माता और पिता हम बोलते हैं तो और का लोप हो जाता है, तो इस वजह से ये द्वंद्व समास होगा। और ये खास ट्रिक मैं बता रहा हूँ दोस्तों, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे भी होते हैं, जैसे माता है तो पिता, पाप है तो पुण्य, अन्य है तो जल, राजा है तो रंक, ऊंच है तो नीच। तो इसमें आप देखे होंगे दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे भी आ रहे हैं, तो इस ट्रिक से भी समझिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।